हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इकोनॉमी का जुलाई का पेपर सॉल्व करो। अब जैसे मैंने लाइव लेक्चर में बोला था, जो आईएमपी बोला था वही आया, और एकदम वन साइड पेपर आया, एकदम वन साइड बोला, एकदम प्यारा मोहब्बत वाला आया, और उसको सॉल्व करता हूँ। इधर बोला है माइक्रो इकोनॉमिक, तो माइक्रो इकोनॉमिक स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है, तो इसका आंसर है ओनली सी। नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो बोलेगा तो ओनली डी आएगा इधर, ठीक है। इधर क्या बोला था बच्चे लोग, इधर बोला है इंडिया के पास पेट्रोल कहाँ से आता है, कुवैत देता है, सऊदी देता है, चाइना नहीं देता है, ए और बी था इसका। ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या काम करता है, एम्प्लॉयमेंट, जॉब लाएगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, वेलफेयर मेशर्स, गुड एक्सपोर्ट करने का गवर्नमेंट का ड्यूटी नहीं, ए बी सी था इसका। कमर्शियल बैंक क्या करता है मानी में, क्या देश का इकोनॉमिक ग्रोथ में और लोगों से सेविंग में अरेंजमेंट करता है, तो बी और सी क्या था इसका, बी और सी। फिर बोला मनी मार्केट शॉर्ट टर्म है, तो ये मालूम है भाई, लॉन्ग टर्म में क्या आएगा, कैपिटल मार्केट, क्या आएगा, कैपिटल मार्केट। टेबल चेयर फॉर्म यूटिलिटी होता है, तो जो इंफॉर्मेशन होता है उसको नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज यूटिलिटी। एकदम नकली था बच्चे लोग, नकली मतलब इजी। तो इधर इनडायरेक्ट डिमांड लेबर है, तो इनडायरेक्ट उल्टा क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड, क्या आएगा, डायरेक्ट डिमांड। थियोरेटिकल डिफिकल्टी दिया है, तो थियोरेटिकल इधर उल्टा आएगा प्रैक्टिकल, क्या आएगा, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो डेफिसिट बोलते हैं, और जब इक्वल रहेगा तो बैलेंस बजट, क्या बोलेंगे इसको, बैलेंस बजट। अभी तो बोला नेसेसरी गुड्स, तो नेसेसरी गुड में क्या आता है, अनाज आता है, मेडिसिन आता है, बुक आता है, कार थोड़ी आएगा ना यार। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में प्राइस इंडेक्स होता है, क्वांटिटी होता है, वैल्यू होता है, वेटेड नहीं आएगा, राइट, वेटेड दूसरे में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गाड़ी घोड़ा मतलब ट्रांसपोर्ट आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, वाटर, सब्सिडीज नहीं आता ना बच्चे लोग, सब्सिडीज माफ होता है। बैंक अकाउंट में सेविंग होता है, रिकरिंग होता है, करंट होता है, डीमैट अकाउंट नहीं होता है। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट आता है, रेंट आता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसमें आता है ना, ट्रांसफर पेमेंट, ये पांच मार्क इधर जमा हो गया। फिर बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो क्या होता है, एम यू निगेटिव कब होता है, जब टी यू गिरता है, जब टी यू गिरता है, गिरता बोलेगा तो फॉलोइंग, ठीक है। अब इधर बोला है सिंबॉलिकली फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड और प्राइस, तो डिमांड और प्राइस ये रिलेशन था। एक्सपोर्ट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इंक्लूड, तो एक्सपोर्ट में क्या आता है मालूम है, क्या पेट्रोलियम आता है, क्या आता है, पेट्रोलियम ज़्यादा करके। इधर बोला है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस बोले तो परफेक्टली इन इलास्टिक था। नेट एडिशन मेड टू टोटल, एडिशन वर्ड आया तो मार्जिनल होता है, एडिशन आया तो मार्जिनल। फिर तुमको कैसे था ना, इधर मैंने आंसर बोला था, मैक्रो मैक्रो आता है, टाइप्स ऑफ डिमांड भी आया था, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, मतलब ये तीन आंसर तुमको इधर पहचान का मिला था। फिर ये एग्री डिसएग्री में क्या बोला है कि ओनली फीचर, जब भी ओनली आएगा मैंने क्या बोला था, ये डिसएग्री, क्या ये डिसएग्री। फिर पीसीएम का फीचर डाल देने का, इंडिया इन इंडिया रोल ऑफ मनी मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, यस ये एग्री है, मनी मार्केट के बारे में चार लाइन डाल सकते, चार पॉइंट डालने का था। थियरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक स्टडीज माइक्रो, नहीं वेलफेयर बोलेगा तो क्या था मालूम है, डिसएग्री, वेलफेयर कौन पढ़ता है, मैक्रो पढ़ता, तो मैक्रो का फीचर डालने का था। सप्लाई कोर्स सप्लाई कव स्लोप्स अपवर्ड, तो ये एग्री है, और इस पर लॉ ऑफ सप्लाई लिखने का था। इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टिव विदाउट बेस ईयर, ये डिसएग्री भाई, बेस ईयर तो होना ही चाहिए ना यार, तो इंडेक्स नंबर के बारे में डाल देने का था। डिस्टिंग्विश भी एकदम ईजी आया, इंटरनल इंटरनेशनल ट्रेड, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ओलिगोपोली, ये भी लिख सकते थे, प्राइस और क्वांटिटी का फॉर्मा भी डाल सकते थे, है ना। इंडिया परचेज पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान, मतलब इंडिया ने माल खरीदा, तो इसको बोलेंगे इंपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट के बारे में डाल देने का। सुन्नतों को मंथली पेंशन मिलता है, पेंशन का क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, दो लाइन डाल के एक्सप्लेन करा देने का। लमसम अमाउंट डिपॉजिट किया, तो उसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एकदम नकली तारे। रामकांत पेड इनकम टैक्स है ना, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया, क्या हो गया, ये डायरेक्ट टैक्स। जब प्राइस 10% गिरा तो डिमांड भी 10% बढ़ा, तो उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक, क्या बोलेंगे, क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ता ना यार। इधर 6 मार्क मिल गया, और सबसे मेन तो इधर तुम्हारा एक लॉ डीएमयू आ गया, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बोला था ना, वही वैसे ही सेम टाइप्स डालने का था। नेशनल इनकम नहीं पढ़ा रहेगा तो चलेगा, और पैसेज आया एकदम रीड करके सॉल्व करने का था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, एकदम ईजी था वाला। और फिर एक ये आया था तुमको, डायग्राम आया था, तो डायग्राम का सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स पे क्या है, तो एक्स पे क्या है मालूम है क्या, ये लिखने का था, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई, व्हाट विच प्राइस शोज इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों कहाँ मिले, ई पे मिले, है ना, तो 300, क्या बोला प्राइस 300। फिर बोला वाई पे क्या है, वाई पे क्या है दोस्त, वाई पे क्या है प्राइस, वाई पे क्या है प्राइस है। फिर बोला विच पॉइंट रिप्रेजेंट डायग्राम डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम पॉइंट, विच पॉइंट बोला तो ई आएगा, क्या आएगा ई। फिर ये भी बहुत ईजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ जी गुड्स एंड सर्विसेज, शॉर्ट फॉर्म बोला है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है जीएसटी, क्या है जीएसटी। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, तो एसजीएसटी का कितना परसेंट है 6%, सीजीएसटी का भी कितना परसेंट है 6। व्हाट इज द बेस प्राइस ऑफ पैन, पैन का बेस प्राइस कितना है बिल में, तो पैन का बेस प्राइस कितना है दोस्त, पैन है 8 रुपया, कितने का पैन है 8 रुपया, 8 रुपये था। व्हाट इज द जीएसटी नंबर ऑफ सेलर, तो जीएसटी नंबर इधर दिया ना, बिल नंबर क्या दिया है, बिल नंबर फाइव ये था तुम्हारा, नहीं इधर क्या बोला जीएसटी नंबर है ना, नहीं सॉरी ये जीएसटी नंबर, वो बिल नंबर है, ये जीएसटी नंबर लिखने का था, है ना, ये जीएसटी। इधर 4 मार्क मिल जाएगा, नकली था एकदम।
फिर उसके बाद हो गया तुम्हारा पेपर सॉल्व हो गया भाई, पूरा बंटी लोग एकदम वन साइड था यार, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ओके बस मचाने का था तुमको, चलो खिलाओ पिलाओ, दोस्ती बढ़ाओ, झूला झूलो, अब्दुल सर को मत भूलो।